is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. विद्यालय फलोज के अंदर जो कि आपका जिला पड़ता है डूंगरपुर, आप देख सकते हैं ये पीछे पूरा विद्यालय है। यहाँ पर नेत्रहीन बच्चे जितने भी हैं उनका यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ यदि हम कहें तो उनका जो पूरी जीवन की दिनचर्या है उसका कंप्लीट दायित्व तो यहाँ पर अपनाया जाता है और उनकी यहाँ पर सेवा कार्य किया जाता है एक तरीके से। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जन्मदिन के अवसर पर या फिर आपके कोई भी ऐसे विशेष कार्यक्रम के अवसर पर कहीं बैठकर केक काट देते हैं मित्रों, उसमें कहीं कोई मन को सुकून की प्राप्ति आपको नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार के कार्यक्रम यदि आप करना चाहते हैं, आप बर्थडे को मनाना चाहते हैं, तो आप इन विद्यार्थियों के बीच आइए, इनकी सेवा कीजिए, इन्हें भोजन करवाइए। आपको जो भी लगता है कि यहाँ पर आपको सेवा कार्य करना चाहिए मित्रों, तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसका डिटेल पता अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी मैं नीचे डाल दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं विद्यार्थियों, देखो आप नेत्रहीन बच्चे, इनके साथ जो सुकून है। हेलो, कैसे बेटा, अच्छे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पांचवी में। वेरी गुड। हेलो मंथन, कैसा है तू? कहाँ का है मंथन? बांसवाड़ा का है। छोटू क्या कर रहा है? कुछ नहीं। यह विद्यार्थियों स्वामी विवेकानंद दृष्टिहीन विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान फलोज जिला डूंगरपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइज यह है यहाँ पर बोल तो मित्रों, ये कुछ टैलेंटेड विद्यार्थी यहाँ पर हैं, लगभग सभी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी टैलेंटेड हैं। यहाँ कुछ से भी हम बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है आपका? क्या नाम बेटा? जोर से बोलो। कमलेश कटारा। हाँ बेटा बोल। मैं 2017 से आया था, जब मैं पहली क्लास में पढ़ता था। अच्छा। जब ये नए नए सर भी आए थे तुलसीदास जी, तो उन लोगों ने मेरे को भजन सिखाया, ढोलक सिखाई मंजिले सिद्धिया में, और कम से कम अच्छे नर भी लिखना सिखाऊँ। अच्छा। छः बिंदी बनाना भी सिखा, उसके बाद मेरे को प्रार्थना भी थोड़ी बहुत मैं सीखा भी हूँ, लेकिन भजन में तो ज़्यादा टैलेंट है। भजन में ज़्यादा टैलेंट है।
बहुत अच्छी बात। और आज मेरे को 8 साल हो गए मैं पढ़ता पढ़ता, इस साल अभी 9वीं में हूँ। अच्छा, इस साल 9वीं में हो। यहाँ पे लाया कौन था आपको? सुखलाल जी और पंडित जी लाए थे। अच्छा, सुखलाल जी लाए थे, पंडित जी। कोई है तो नहीं हो। अच्छा, जब मैं सो रहा था तब कहा घर पे कोई एक नहीं तुम्हारे इधर, वो कह रहे हमारे यहाँ कोई भलन बच्चा तो है, तो भैया इसका एडमिशन करा दो तो बाकी इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। फिर मैंने कहा स्कूल कौन से, मेरे को तो पता ही नहीं। फिर मेरी मम्मी रखने आई मेरे को। अच्छा, मम्मी रखने आई। इसके बाद फिर मैं दूसरे दिन तीसरे दिन घर पे गया, चौथे दिन वापस आया। अच्छा, तब मेरा यहाँ पढ़ाई लिखाने का भी चल भी रहा है और अब मन लग गया आपका, मन भी लग गया है। मेरा यूँ मान्यता है भाई, मैं 12वीं पास होकर कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बहुत उदयपुर में कोई संस्था है कह रहे हैं, बहुत अच्छा विचार है आपके। वहाँ किसी की भी शादी हो ब्याह हो कुछ भी हो वहाँ बुलाते हैं, महीने के 30,000 रुपये कह रहे हैं, वहाँ भी जाना मुश्किल है। जैसे जैसे घर मैं जाऊँगा, सलम्बर के पास का ही हूँ तो मैं आराम से जाऊँगा। बिल्कुल, हाँ, सुबह जाऊँगा तो शाम को तो पहुँच ही जाऊँगा आराम से। वेरी गुड। 2 घंटे में कमलेश, क्या करना चाहते हो आप कमलेश लाइफ में, आगे क्या बनना चाहते हो आप? कोई सपना आपका? संगीत सिंगर। अच्छा, सिंगर बनना चाहते हो आप? हाँ। कोई गाना सुना सकते हो? हाँ। दो लाइन? हाँ। सुना के दिखाओ। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के जहो मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। बहुत बढ़िया, दो लाइन ये भी सुनाएगा, दो लाइन। हाँ बापू, कोई भजन बापू? हाँ हाँ, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देने वाले श्याम प्रभु तो अनधन दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर की मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे। ठीक है, तो मित्रों अभी आए हुए हैं, सुकून मिलता है यहाँ पे उन बच्चों के साथ समय बिताने का, बड़ा अद्भुत है। ये जो है किचन है, यहाँ पर सामूहिक रूप से सभी बच्चों का भोजन का जो कार्य है वो इनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है और संपूर्ण भोजन यहीं पर बनता है। ये जो हैं स्वर्गीय सुखलाल जी यादव साहब जो है, उन्होंने सबसे पहले इस विद्यालय की नींव रखी थी और पूरी तरीके से उन्होंने अपना डेडिकेशन, मैं कह सकता हूँ अपना तन मन धन पूरा इस विद्यालय के अंदर, इन बच्चों के विकास के अंदर उन्होंने लगा दिया। 2021 में दुर्भाग्यवश कोरोना काल के समय उनका देहांत हो गया और ये उनके पत्नी जी हैं जो मौजूद हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? अरे बोल दो आप हिसाब से। तो बहुत दुख कर वो तो चले गया है, अभी मैं भी हूँ 8 साल में सभी स्कूल संभाल, बस
आजकल आप देख सकते हैं इसका जो परिसर है वो सभी ये विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके यहाँ पर अनिल जी गजब का टैलेंट है यहाँ पर खाली हाथ पकड़ के ही। कौन से मैम है बताओ, नाम बताओ। क्या बात है। सेंसर मतलब इनके सेंस संवेदी जो होंगे वो सक्रिय करते हैं। क्या क्या नाम बेटा आपके, सब तीनों के नाम बता दो। मनीषा कहाँ से बेटा? धनकावाड़ा। अच्छा बलुआ, बलुआ धनकावाड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बेटा आपका क्या नाम है? निशा। जोर से बोल जा। बोलना पूरा बोल। कहाँ से? बिलवाड़ा से। बिलवाड़ा। पीछे बेटा आपका नाम बेटा? माया। कहाँ से हो? अलग अलग जगह से। कौन है बेटा ये, किसने किया बताओ? सर ने? कौन से सर ने? क्या नाम है सर का बता दो। कौन से सर कर रहे हैं? कौन से सर हैं? अनिल जी सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कौन सी क्लास में बेटा आप? छठी क्लास में हो? तो कौन से गांव के हो? सिमलवाड़ा के। छठी की? नहीं सब अलग अलग। ये दसवीं क्लास के अंदर संगीत आ रही है, बांसवाड़ा से है। ये डूंगरपुर के गेंजी जिले से है। ये प्रेमिला पार्क, प्रेमिला तमिल है। गुजरात बॉर्डर से। सिमलवाड़ा कैसी लगती है? क्या नाम है बेटा आपका? अंजना। कहाँ के? रंजना। कहाँ के हो? रंजना रंजना दोनों। अच्छा अंजना और रंजना की जोड़ी है। बासवाड़ा। कतिशोर। कतिशोर से। ये बासवाड़ा आनंदपुरी से। ये अच्छा आनंदपुरी से बेटा। मौड़ी अपने इधर। अच्छा मौड़ी। गांव का नाम बोल, नाम बोल। तेरा क्या नाम है? गौड़ी। कौन सा? गौड़ी। गौड़ी। अच्छा तो यहाँ पर आए हुए हैं विद्यार्थियों के पास। क्या नाम है बेटा सर का? अनिल जी सर। ये जान लिया आपने? वेरी गुड। अच्छा मैम की। क्या नाम है बेटा आपका? मन्नत। और इससे तो मिले थे मंथन से, हम बाहर मिले थे। मंथन ने बताया था बच्ची आज यही है। अच्छा ये बच्ची आज ही है। माइडम से। क्या नाम है बेटा आपका? वीन। अच्छा माइडम से। अच्छा कौन कौन सी? ये और ये और ये जोड़ो। बहने दोनों बहने ये भी माइडम साइड की आते हैं। वो मंडल की भी पिपली टोटली वो पिपली की है। पिपली क्या बेटा? पिपली आ या ब? बस है। अच्छा 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 अच्छा। पर्यावरण कक्षा चार। अच्छा अच्छा अच्छा। पर्यावरण कक्षा कैसे पढ़ते बेटा इसको आप? यहाँ पे लेसन आता है पूरा। तो ब्रेल, ब्रेल लिपि से नहीं? हाँ ये ब्रेल। पढ़ के बता थोड़ा सा, एक दो लाइन। आराम से बोल। एबीसीडी बता दे। चल ये बता दे। ये पर्यावरण कक्षा चार।
खंड दो, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश। कोई भी अक्षर पे मैं तो आपको बता देता हूँ। हाँ आप पूछो, ये वाला बताइए। ये हाँ हाँ यो, वेरी गुड, बिल्कुल राइट। और ये वाला बड़ा, वेरी गुड, इसमें से बताओ बड़ा, इसमें से, इसमें से आप रखो, इस पे रखो पी, बहुत बड़ा, जबरदस्त। आप बताओ दीदी, दीदी दीदी आप बताओ, दीदी बताएंगे, दीदी दीदी को पूछो, पूछो बेटा, बताओ दीदी, ये वाला बताओ दीदी को, बताओ मन्नत को, ये कौन सा है, टी, वेरी गुड, ब्रेल लिपि का पूरा प्रदर्शन इस बच्चे ने किया है, ब्रेल लिपि के द्वारा। आपको बता दीदी को, बताओ स्कूल के बारे में पता नहीं था, इसलिए क्योंकि पहले मैं 9-10 साल का था तो फलोदी पढ़ने गया था मैं, जोधपुर से आगे फलोदी है ना, फलोदी बिल्कुल, हाँ फलोदी वहाँ पढ़ता था मैं, वहाँ से फिर इतने समझदारी था नहीं, मैं 9-10 साल का था, एक कम से कम 6-1 महीना रहा, इसके बाद में हमारे साथ में 2-3 लड़के थे, वो उन्होंने क्या के मना कर दिया कि अपन तो फलोदी इतना दूर आएंगे नहीं और यहाँ पे पढ़ना ही नहीं, मिलेगा स्कूल तो अपने गांव में पढ़ेंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे ही नहीं, यूँ करके नहीं आया चले आए। तो फिर मैंने भी विचार किया, अब मेरे हमारे भी पापा मम्मी ने विचार किया, अकेला उसको भी कहाँ रखूँगा, यूँ करके मैं घर पे रहते रहते जयपुर चले गए। हाँ जयपुर रहता था मैं, जयपुर डॉक्टर साहब के हॉस्टल में रहता था, अच्छा बस खाना नहीं ऐसे ही रहता था, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में कुछ नहीं, किससे बात फिर किससे बात करी, फिर एक यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ के गया, गोपाल करके नाम का लड़का है, वो आया था जयपुर में, उसने मेरे को सारी प्रक्रिया बताई कि ऐसे 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 ऐसे, तो दोनों को एडमिशन ले ले और तो तेरी पढ़ाई हो जाएगी, इसके बाद में तेरा जीवन सुधर जाएगा। कौन से सर से संपर्क, किससे, कौन से सर से संपर्क किया था आपने, अनिल जी सर से। अच्छा अनिल जी सर से ही, क्या बात है, अनिल जी सर का बड़ा योगदान है ज़्यादा। तो उन्होंने एडमिशन ले लिया है, अब मैं पढ़ रहा हूँ। चलो अभी कौन सी क्लास में एडमिशन लिया आपने, 9th क्लास से सर, 9th क्लास में, बहुत बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। मोबिलिटी, ये मोबिलिटी है, इसमें आभास हो जाता है कि कहाँ तक जाता है, ये मोबिलिटी में इसको आभास हो गया कि यहाँ तक इसको जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी एक ज्ञान का एक मैं कहूँ छठा इंद्रिय सक्रिय है इनकी। बिल्कुल सही बात है। फलोज में प्रकृति की गोद के बीच बसा हुआ ये नेत्रहीन उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी विवेकानंद के नाम से आप देख रहे हैं, जब भी आप लोग यहाँ पर आए इनकी सेवा कार्य आप जरूर करें मित्रों, इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है, तो मेरा आग्रह आपसे कि जरूर ये सेवा कार्य करें। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु व्यास, हमारे साथ है अभी, क्या नाम है बेटा आपका, महेंद्र, ये है महेंद्र मीणा, पिताजी का नाम हक्जी मीणा, गांव बलुआ, बलुआ में कौन सा फला बेटा, बटोड़ी फला। तो साथियों ये बटोड़ी फला हमारे बलुआ गांव का बटोड़ी फला का रहने वाला है, और ये यहाँ पे स्वामी विवेकानंद दृष्टिहीन जो शिक्षण संस्थान है फलोज डूंगरपुर के अंदर, यहाँ पे कक्षा तीसरी में आया था बेटा, और अभी कौन सी क्लास में आप, अभी साथी में ये आ चुका है। तो देखिए विभिन्न क्षेत्रों से, हमारे गांव से भी ये बालक यहाँ पर आके बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर रहा है, बहुत काफ़ी कुछ सीख रहा है,
अनिल जी सर वगैरह सबके नेतृत्व में। तो मैं सभी हमारे जो शिक्षक साथी है या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षण संस्थान है साथियों, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये एक अनुदानित है। प्लस साथ ही साथ जैसे तैसे हम लोग इसको हमारे गुरुजी जो बता रहे थे वो चलाते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है अगर वो अपना जो इनकम टैक्स का पैसा एक एनजीओ में देना चाहता है, किसी फाउंडेशन में देना चाहता है, ताकि वहाँ से यहाँ पे मदद हो सके, तो आप मुझसे संपर्क करें, सर से संपर्क करें, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और इस प्रकार के जो विद्यार्थी है उनके जो इनका करियर है उसको बनाने में सहयोग करें। थैंक यू सो मच। क्या कर रहा है तू बेटा? हाँ ये मस्ती कर रहा है। क्यों है बेटा? अरे यार क्या वीडियो नहीं है बेटा? चलो सबको मंत्र बोलना है, ठीक है ना? और नाड़ इधर उधर नहीं लानी।
जितने भी इस समय दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से एक आग्रह करना हम चाहेंगे। ये मेरे पीछे जो आप यहाँ पर ये आप ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ईंटें वगैरह भी पड़ी हुई आप देख रहे हैं, ये पूरा स्थान है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक भवन की आवश्यकता है मित्रों, भवन निर्माण की आवश्यकता है। कुछ भामाशाहों ने यहाँ पर ईंट और ये कुछ मैं कहूँगा रेत वगैरह और ये सब भिजवाया है, परंतु आपसे जितना भी बन सके, हम ये नहीं कहते हैं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अकेला ही सारा कर पाए, कि जिसको जितनी श्रद्धा हो, जितनी भी उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो, आप यहाँ पर सहयोग करें। सहयोग करके कम से कम यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य आप संपन्न कराने में सहयोग करें, चाहे आप मिलकर एक कम्युनिटी बना लें, जैसे भी आप इसको संपन्न कराने में आप जैसा आपको उचित लगे ये कार्य जरूर कराएं। मित्रों, ये जो आप बच्चे देख रहे हैं ये बच्चे भगवान का रूप हैं, और अगर इनकी सेवा कार्य किया जाए तो कहीं ना कहीं भगवान का सेवा कार्य के बराबर ये माना जाएगा। तो मैं तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके एक विनम्र अपील करना चाहूँगा, एक विनम्र विनती करना चाहूँगा कि मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे यहाँ का जो अकाउंट नंबर है इस क्षेत्र का अकाउंट नंबर और यहाँ का जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप सभी लोग डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचकर या डायरेक्टली आप अपने बैंक खाते के माध्यम से यहाँ पर अधिक से अधिक सहयोग पहुँचाएँ, ताकि भवन कार्य का भवन निर्माण का जो कार्य है वो जल्द से जल्द संपन्न हो और ये सभी जितने भी विद्यार्थी हैं वो आराम से यहाँ पर आवास का कार्य भी व्यवस्थित तरीके से कर सकें। धन्यवाद। तो अनिल जी का काफ़ी सहयोग रहा और अभी हम सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अनिल जी, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा, दो शब्द सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, आज जितने भी हमारे भामाश आए हैं और यूट्यूब चैनल को भी मैं धन्यवाद दूंगा, और सभी हमारे भामाश आए उनका धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, और मैं तो आशा करता हूँ कि ऐसे ही हमारे बच्चों के जो नेत्रहीन बालक बालिकाएँ उनके ऊपर आपका प्यार प्रेम बरसता रहे, इसी कामनाओं के साथ में आपका उज्जवल भविष्य की शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बस अब हम निकल रहे हैं, और आप जब भी यहाँ पर पधारें तो ज़रूर यहाँ पर आप सेवा कार्य करें। धन्यवाद।